हेलो एवरीवन वेलकम टू रारा दोस्तों आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ इसमें मैं बताने वाली हूँ कि मैं आज कौन सा प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ ये एक फाउंडेशन है लॉरियाल पेरिस ट्रू मैच सुपर ब्लैंडेबल फाउंडेशन और ये जो ट्रू मैच फाउंडेशन है इसकी आ, इसको मैंने आ, बहुत लेट परचेज किया है बट इट्स ओके और ये एक इस तरीके की ट्यूब पम्प पैकेजिंग में आता है पैकेजिंग अच्छी है इसकी और ये आप देख सकते हैं कांच की बॉटल है और इसका प्राइस मैं आपको बता दू uh, उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि ये आता है सेवन नाइन नाइन रुपीज का थर्टी एम एल प्रोडक्ट क्वांटिटी है दिस इज फॉर सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन एंड दिस इज नॉन कॉमेडोजेनिक सो ये जो फाउंडेशन है इसमें एस पी एफ सेवेंटीन है बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है तो इसे आप डे टाइम में वियर कर सकते हैं और इस वक्त आप ये जो देख रहे हैं मेकअप लुक मैंने इसी से किया है तो मैं अभी फाउंडेशन का आपको डेमो भी दूंगी उसके अलावा मैं आपको इसके विषय में बता देती हूँ ये जो प्रोडक्ट है मेरा शेड है वनीला रोज या रोज वनीला इस पर दोनों तरीके से लिखा है एंड ये है मेड इन फ्रांस प्रोडक्ट और सुपर ब्लेंडेबल है परफेक्टली मैच स्किन कलर एंड टेक्सचर तो देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इसको जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि एकदम से स्किन वाइट वाइट हो जाएगी बट धीरे धीरे ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ और एक और चीज मैं आपको दिखा दू ये काफी ज्यादा इसकी पतली कंसिस्टेंसी ये बहुत ज्यादा पतली बहुत ज्यादा थिक नहीं है तो इसको जब आ, इस तरीके से आप ऐसे ब्लेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं आ, मीडियम टू हाई कवरेज देता है अगर आप दो बार दो कोट अप्लाई कर रहे हो और अगर आप इस तरीके से ब्रश से अप्लाई कर रहे हो इसको तो एक चीज मैं इसमें कहूंगी बहुत हल्की सी इसमें ना शाइन है माइक्रो जो कि उतनी दिख नहीं रही है मेरी स्किन पे तो उतनी नहीं दिख रही है और ये आप देखिए आपको स्किन में साफ साफ दिख रहा होगा कितना वाइट वाइट सा लग रहा है बट ये थोड़ी देर बाद स्किन में परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है चलिए मैं पहले आपको फाउंडेशन अप्लाई करके दिखा देती हूँ तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस मॉइस्चराइजर और ये है बॉबी ब्राउन विटामिन ई फेस बेस मॉइस्चराइजर प्राइमर जो कि दोनों का काम करता है और ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है सिट्रसी फ्रेग्रेंस के साथ में आता है फिफ्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज का है बहुत अच्छा काम करता है ये स्किन पर आप चाहें तो इसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें विटामिन सी है जिसके कारण आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और रेडिएंट भी लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है इससे मेकअप बहुत टिकता है तो ये मॉइस्चराइज़र मिनी साइज़ में भी आता है उसके बाद मैं ले रही हूँ मेरा फाउंडेशन रोज़ वनीला शेड है मेरा लॉरियाल ट्रू मैच का और ये आप देख रहे हैं मैं इसको इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन जो है इसका uh, जो लुक आता है वो अभी स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि वाइटिश वाइटिश हो रहा है लेकिन धीरे धीरे ये ऑक्सीडाइज होने के बाद प्रॉपरली स्किन में मैच करने लगता है और बहुत सारे लोगों को ब्रश से अप्लाई करना अच्छा लगता है मुझे लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना पसंद है ताकि प्रोडक्ट जो है वो केकी लुक ना दे एक कोट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको फ्लॉलेस लुक मिलेगा यदि आप दो कोट अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ी सी कवरेज ज़्यादा मिल जाएगी और अगर आप इसके तीन से चार कोट अप्लाई करते हैं तो शायद केक हो जाए और इसमें इतना लाइट सा शाइन है कि वो ऐसा चाहना समझ नहीं आ रहा मेरी स्किन पर तो।, तो दोस्तों कोई भी फाउंडेशन हो आप उसको आउटलेट से ही खरीदें मैच करके खरीदें भले ही वो सौ रुपये आपको उस पर डिस्काउंट ना मिले सौ दो सौ रुपये लेकिन फाउंडेशन का अगर शेड ख़राब होगा तो वो थोड़ी देर बाद आपके चेहरे पे ग्रे लग सकता है या फिर फेस पर बहुत ज़्यादा अनइवन लगेगा मिसमैच लगेगा तो फिर बढ़िया लुक नहीं आता है और ये मैं ले रही हूँ थोड़ा सा फाउंडेशन वापस से और इससे मैं नेक पर अप्लाई कर रही हूँ तो फेस के साथ साथ गर्दन पर भी अप्लाई करें जिससे कि लुक आपका बिल्कुल इवन और बराबर आए और ये आप देख ही सकते हैं कितना प्यूरी ब्लेंडर बिल्कुल सही तरीके से ब्लेंड कर देता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है इसका तो आ, कोई भी फाउंडेशन हो उसको ब्लेंडिंग सबसे बेस्ट तरीक़ा है ब्लेंडिंग उसकी कीजिए और आपकी स्किन जो है फ़्लॉलेस दिखेगी और अब मैं इसकी तीन ड्रॉप और ले रही हूँ जिससे कि मुझे थोड़ी सी कवरेज चाहिए और मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा अच्छे से और ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मुझे जो टी जोन एरिया है या फिर अंडर आई एरिया है इसमें मैंने कंसीलर इस्तेमाल नहीं किया है तो आ, कवरेज मिल जाए सबका फाउंडेशन और कंसीलर या फिर मेकअप बेस इस्तेमाल करने का तरीका अपना अपना होता है क्योंकि हमारे फेस से ज़्यादा बेस्ट हमसे बेहतर कोई नहीं जानता होता है तो ये आप देख रहे हैं हल्का सा अलग अलग दिख रहा है चौकी जैसा लग रहा है बट ये ना थोड़ी देर बाद बिल्कुल मैच हो जाएगा और बहुत अच्छा लुक आएगा इसका एकदम इवन और कोई भी फाउंडेशन हो उसको बिना सेट किए आप छोड़े नहीं क्योंकि फिर वो क्रीज़ बनने लगती हैं अनड्राई एरिया पर और मुंह के आसपास तो वो अच्छा नहीं लगता और मैं इसको सेट कर रही हूँ मैक्स स्टूडियो फिक्स एन सी फोटी शेड से जो कि मेरा शेड है और ये आप देख रहे हैं हल्का सा वॉम शेड है ये येलोइश और ये बहुत अच्छा लुक देता है इससे फाउंडेशन और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और मैट फिनिश के साथ में सेट हो जाता है समर्स के लिए ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है और इस फाउंडेशन की बात करूँ तो इससे लुक जो है वो ड्यूई ड्यूई सा आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा मैट भी नहीं आएगा मतलब जैसा फ़ाउंडेशन का लुक आना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर स्किन पर हाइड्रेशन के साथ में वैसा ये बना रहता है और इसे दिन के समय आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें एस SP, पी uh, 17 एफ़ सेवेंटीन है जो कि आपको सन प्रोटेक्शन देगा और कॉम्पैक्ट से आप गर्दन पर भी थोड़ा सा सेट कर लें जिससे कि वो इधर उधर ना फैले और अच्छे से सेट हो जाए दूर से देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए स्किन को पास से तो ये स्किन पे बहुत ही ज़्यादा जो फ्लॉलेस लुक देता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और मैं एक चीज़ कहना चाहूंगी कि फ़ाउंडेशन मुझे ब्रश से नहीं ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो देखा आपने इस तरीके से ये बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है बिल्कुल केकीनेस नहीं लगती है और अगर आपको पार्टी के लिए या डे टाइम के लिए किसी भी समय के लिए ये फाउंडेशन ट्राई करना है तो बिल्कुल ले सकते हैं प्राइस वाइज भी अच्छा है और इस पर ऑनलाइन ऑफ आता रहता है आई थिंक इसमें तेरह या चौदह शेड आते हैं तो शेड जो है वो ठीक ठाक हैं बट आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको आउटलेट पर ही मैच करके लेना चाहिए और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है थ्री ईयर्स विच इज प्रिटी गुड और ये जैसे कि यहां मैंशन है टेस्टेड अंडर जिकल कंट्रोल नॉन वेल बिफोर यूज तो किसी भी फाउंडेशन को लिक्विड फाउंडेशन को अच्छे से शेक uh, करने के बाद ही उसको इस्तेमाल करें तो उसका टेक्स्चर जो है वो प्रॉपर आता है स्किन पर तो दोस्तों बस मुझे यही कहना है कि मुझे अच्छा लगा बस थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है और हल्का सा जो इसमें जो स्पार्कल जो माइक्रो स्पार्कल पार्टिकल है वो उतने स्किन पर उतने दिखाई नहीं देते हैं मतलब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो देखिएगा जी हाँ मैं भी बहुत इसको चार पांच बार अप्लाई कर चुकी हूँ चार पांच बार मैंने इसको यूज़ किया है बट मुझे उतना नहीं लगा मेरी स्किन पर और एक चीज़ और है कि यदि आपकी जो स्किन का कलर है थोड़ा सा मीडियम टू फेयर है तो थोड़ा कम उस पर दिखाई देगा अदरवाइज ये थोड़ा सा मीडियम टू डार्क स्किन पे थोड़ा ज़्यादा मे भी दिख सकता है ये हो सकता है और अदरवाइज आप इसका आउटर आ, आउटलेट पर टेस्टर चेक करके ही लें मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी कि आप इसको ऑनलाइन लें या फिर इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन हैं जो आपको कम प्राइस में ज्यादा अच्छी आ, कवरेज और ज्यादा अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं वो आप ले सकते हैं मुझे ये मेरे लिए अच्छा लगा बट इतना सफिशेंट है ऑलरेडी इतने सारे फाउंडेशन होते हैं तो इसको रिपर्चेज करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी तो ये जो फाउंडेशन है ये ऑल डे स्टे करता है एंड इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है और आ, अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में हैं तो शायद ये थोड़ा सा आ, पसीने के कारण इधर उधर थोड़ा सा पैच हो जाएगा कुछ घंटे बाद बट स्टे करता है काफ़ी अच्छा तो ऑयली स्किन के लिए अच्छा है और इसमें ना 24 फोर आवर हाइड्रेशन प्रोवाइड कराने का जो यहाँ पर लिखा गया है 24 घंटे तक तो ये सही है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा uh, अजीब सा नहीं करता है तो ये लुक इसका बिल्कुल परफेक्ट आता है जैसा कि आना चाहिए ना तो बहुत मैट है ना ही बहुत ज़्यादा ग्लोसी है इट्स नाइस nice. और कुछ टाइम बाद ये ऑक्सीडाइज होके बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है स्किन में और आ, मैं यही बोलूंगी कि मुझे ये अच्छा लगा है एंड थैंक यू रेकमेंड करने के लिए मुझे और आ, बोलने के लिए वीडियो के लिए सो इसको आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं और अगर आपको अनदर फाउंडेशन के रिव्यू देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए एंड मेरा अनदर चैनल सब्सक्राइब करिएगा डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक ट्विटर टिकटॉक स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर मेरे आईजीटीवी जी वीडियोज देख सकते हैं और मेरे चैनल पर आने वाले न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स के रिव्यू देख सकते हैं बाय दोस्तों